हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग, हम सभी लोग मिलकर के यहोवा का धन्यवाद करते हैं जिसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया और आज हमें परमेश्वर ने श्वास दिया है, जीवन दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम डरो मत। यदि आज हम परमेश्वर का सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, हम आपका धन्य कहते हैं कि खुदावंत यीशु मसीह के नाम से कि आपने मुझे जीवन दिया, आपने मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को आपने एक नया दिन दिया है, एक नया सुबह आज मेरी जिंदगी में, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी आपने दी है ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं और आपका धन्यवाद कर सकूं। हालेलुया। आज यदि सुंदर से सुबह के लिए खुदावंत ने आपको श्वासें दी हैं तो आप परमेश्वर से आज विनती करें, निवेदन करें और धन्यवाद करें, क्योंकि खुदावंत आपको जीवन देता है। 24 आवर्स होते हैं, लेकिन 24 आवर्स में यदि हम परमेश्वर को 15 से 20 मिनट समय यदि दे देते हैं तो खुदावंत हमारी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि आज हमारी लाइफ, आज हमारा जीवन इतना व्यस्त हो चुका है। मोबाइल चलाते चलाते हम बिस्तर पे पड़े रहते हैं, लेट जाते हैं, घंटों बीत जाता है, लेकिन जब बात आती है इबादत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, तो किसी का मन नहीं करता है। ये शैतानी ताकत आज आपके जीवन में कैसे काम करती है? बाइबल हमें बहुत अच्छी तरीके से जानती है और बताती भी है मसीहों के विरुद्ध शैतान के आक्रमण किस तरीके से होते हैं। आपको क्या करना है? सतर्क रहना है, सावधान रहना है। आप एक मूवी को देखते होंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे आप समय व्यतीत करते होंगे, लेकिन वहीं पर यदि आपसे कह दिया जाए कि आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करिए, अपने घर के लिए प्रार्थना करिए, उस खुदावंत से प्रार्थना करिए जिसने आपको जीवन और श्वास दिया है, तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया, ये सब के विषय में है। परमेश्वर ने संसार के लोगों को कहा, लेकिन जिसने आज परमेश्वर के वचन को सुना उसके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, उसे आशीष देता है। और आज हम जानते हैं कि यदि हमारे पास संसार में कोई भी ना हो, यदि हमारे पास मोबाइल है तो हम खुश रह सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि इस बात को मैं अच्छी तरीके समझ रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर, परिवार, समाज में जब देखता हूँ तो घंटों घंटों लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बच्चों, यदि तुम जितना टाइम बर्बाद करते हो अपने जीवन में, वो आपके लिए बहुत जरूरी और बहुत अहम है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ और ताकत, आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ सब कुछ दिया है, तो आज उसके वचन को सुनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शैतान आपकी ओर हमेशा आक्रमण के लिए तैयार रहता है, लड़ाई करने के लिए, आपके ऊपर हमला करने के लिए शैतान हमेशा, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की बात कर रहा हूँ, हमेशा वो तैयार रहता है। आप किसी भी हालात में कैसे भी कहीं भी हो, वो शैतान आपके पास पहुंच जाएगा जब आपकी कमजोरियों को पाएगा। इसीलिए पतरस ने कहा था, आप वचन को सुनिए कि पतरस ने क्या कहा था। पहला पतरस अध्याय 5 और 8 से लेकर 9 तक इन दो वचनों में क्या कहा? पतरस ने कहा, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई की खोज में रहता है कि जिसको वो पकड़ पाए, जिसको वो पकड़ पाए उसे वो फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ हो करके और यह जान करके उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही दुख अनेक प्रकार की बातों से भुगत रहे हैं। हालेलुया, क्या आज हम दुख को नहीं भुगतते हैं? होता है, आज हमारे पास बीमारी है, तकलीफ है, दुख है, चिंता है, मुसीबत है, समस्याएं, बहुत सारी चीजें आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में है। लेकिन पतरस ने क्यों कहा कि संसार में जो आपने, मैंने अभी आपको उदाहरण देकर के समझाया मोबाइल को लेकर के, पतरस ने बहुत साल पहले इस बात को कहा था कि अपना समय मत बर्बाद करो, आप परमेश्वर के वचन पे ध्यान दो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपके बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, क्योंकि आज हम बहुत छोटी, बहुत हल्की बात को लेकर के प्रार्थना तो ही करना है, धन्यवाद कर लेंगे, उसका महिमा करेंगे, शाम टाइम कर लेंगे, सुबह टाइम कर लेंगे, लेकिन नहीं, आपका मन परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहना चाहिए। आप अपना कार्य करिए दिनचर्या का जो भी है,
लेकिन परमेश्वर के प्रति आपकी जो इच्छा होती है वो रहनी चाहिए। पत्रस हमें यही बताता है कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिया है, एक नया आपके जीवन में रोशनी दिया है, तो उस रोशनी को खोने मत दो, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। आपके जीवन में जो भी आपके अंदर मेहनत, आपके अंदर कला, जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसे निखारेगा और आपको बहुत शक्तिशाली परमेश्वर बनाने वाला है। हालेलुया। आज इतने मेरे बहने और भाई हैं, ये सभी के जीवन के लिए है, क्योंकि बहुत अहम बात यहाँ पे पत्रस ने कहा था, इसीलिए याद रखिएगा। इफिसियों के पुस्तक अध्याय 4:27 में लिखा है, यहाँ पर भी शैतान के बारे में कहा गया है, और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। क्या कहा गया? शैतान को आपको यानी अवसर नहीं देना है। आप अपनी जिंदगी में, मैंने जैसे आपको उदाहरण देकर के समझाया मोबाइल को लेकर के, जब आप उसमें बिजी हो जाते हैं, आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे काम चल रहा है, मतलब आप घंटों घंटों बिता देते हैं, आधी पूरी रात बिता देते हैं मोबाइल पर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान को अवसर मत दो। यदि आज परमेश्वर को समय आप देते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको समय देगा, आपके जीवन में ब्लेस करेगा। नहीं तो परमेश्वर के बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं जो रात दिन प्रार्थना करते, उसकी महिमा करते, धन्यवाद करते हैं, तो आपको क्यों आशीष देगा? लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं मेहनत करने वालों को आशीष देता हूं, मैं अपने काम पे जो काम पे लगन लगा करके मन से इच्छा से करते हैं, मैं उसके जीवन में काम करता हूं। हालेलुया। कि किस बात को शैतान आज हमारे जीवन से चुराना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, यदि हम शैतान के प्रति विरोध, जो कहते हैं कि आज हम शैतान के प्रति कैसे विरोध कर सकते हैं, बहुत परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य और ताकत दी है, सब कुछ आपका बिगड़ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, यदि हम अपने जीवन में शैतान का प्रतिरोध नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ बिगड़ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हम शैतान को मना नहीं कर रहे, शैतान को डांट करके नहीं भगा रहे, जिस तरीके अपने घरों से कुत्तों को, जानवरों को भगाते हैं, उसी तरीके शैतान को भगाइए, आपकी जिंदगी से, आपके जीवन से निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में सामर्थ्य और ताकतवर है। आपने देखा होगा दानियल के जीवन में, राजा सुलेमान के जीवन में, दाऊद के जीवन में, इब्राहिम के जीवन में, सारा के जीवन में, बहुत सारे से भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे से राजा हुए। राजा सुलेमान के जीवन की घटना को आप देखिए, आयुब के जीवन की घटना को देखिए, कितना परमेश्वर सामर्थ्य और ताकत देने वाला है। लेकिन उनके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि यदि परमेश्वर ने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया, दानियल के जीवन में काम किया, तो परमेश्वर के प्रति उसने विश्वास किया और समय दिया और उसने प्रार्थना किया और विनती किया, उसके सामने घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने। हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन के जब आप पढ़ेंगे बाइबल में तो आपको देखने को मिलता है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें विश्वास रखना है। इसीलिए हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। यदि हम परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। हालेलुया। यदि आज हम उसका विरोध नहीं करते हैं शैतान का, तो आज हम अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपना जो हमारा दिनचर्या होता है, रोजमर्रा की जिंदगी के हमारे काम होते हैं, यदि उसमें हम परमेश्वर को शामिल करते हैं और शैतान को डांट करके भगाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरा जीवन, तेरा घर बनेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस बात को याद रखिएगा और समझिएगा। और प्रार्थना करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज वो धैर्य रखें, विश्वास रखें। आपसे निवेदन है कि आप इस प्रार्थना को सुनिए, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सके, आपको आशीष दे सके, आपको बरकत दे सके, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज शैतानी ताकत को अपने जीवन से सब कुछ निकालेंगे। हर प्रकार की शैतानी दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार के भूत प्रेतों की साया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार के संसार में जो ग्रसित लोग हैं, आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर परिवार, अपने बेटी और बच्चों को देगा, आज्ञा देगा यीशु मसीह के नाम से, और वो हर प्रकार की शैतानी आपके जीवन से ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। अपने आंखों को बंद करें।
और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा। आपकी बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक दुख और तकलीफों पे आप साथ देने वाले हैं परमेश्वर, उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हर एक मसीह भाई बहन जन के लिए जो आज इस समय उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता, उनको छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जन्म के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज जिनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के रोगों से आज वो ग्रसित हैं, आज बड़ी बड़ी बीमारियों से आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हर प्रकार की मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा तनाव और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की है पिता, आज उन्हें देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, आज वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर कि आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका बीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे ख्याल आ रहे हैं परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है, परमेश्वर उनको आशीष करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए, आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आया है, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर, आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है,
मुसीबत है आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को। अपने मुंह से बोलते जाइए क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज अपने बच्चों के जीवन की आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घुटनों में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से, जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी समस्या है, तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है, यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगी से, मेरे कामों से, जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए। खुदाबंद आपको आशीष देने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आपने आज्ञा दी, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन है इस प्रार्थना को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं, ताकि और लोग सीख सकें, और लोग प्रार्थना कर सकें, और लोग प्रभु के वचन पे आ सकें, और उनको परमेश्वर बरकत दे सके, और उनको आशीष मिल सके। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष देगा, आपके हर एक कामों में सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास रखिएगा और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल हर समय हर घड़ी काम करता रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।